दोस्तों आज के कहानी का शीर्षक है दुल्हन बनी चुड़ैल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अनुभव की नई नई शादी हुई थी। अनुभव पैरानॉर्मल एक्टिविटी का बहुत बड़ा जानकार था। वह भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च किया करता था, इसलिए उसे घोर रहस्य की जानकारी थी। वह प्रेतों के विषय में काफी जानता था, चुड़ैल के विषय में काफी जानता था। वह जहां पर ऐसी अफवाह रहती थी वहां जाकर रिसर्च किया करता था और भूतों के बारे में काफी रिसर्च कर चुका था और काफी ऐसा सामान लेकर घर में आ चुका था जिसमें भूत के होने के एहसास होते थे और जहां पता चलता था कि इसमें भूत हो सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें होती है जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जहां आत्माओं की जान बसी होती है, किसी आत्मा की जान किसी भी चीज में बसी हो सकती है, ऐसी चीजें वो अपने घर में लाकर रख लेता था और अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दे रखा था कि कभी भी उस चीज को तुम छूना मत, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता था। पत्नी नई नई शादी हुई थी इसलिए उतना जानकार नहीं थी और उतना याद भी नहीं था उसे किसी भी चीज के बारे में। एकाएक फोन की घंटी बजती है और अनुभव काम के लिए निकल पड़ता है। वह जाता है और 10-15 दिन के बाद वापस घर लौट कर आता है। देखता है उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी है, पर उसकी निगाहों में चमक नहीं है, रूठा चेहरा है, घर में बदबू फैली हुई है, सामान बिखरे पड़े हैं। उसे समझते देर नहीं लगती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर भी वह घर में आता है, सारे सामान को अपने जगह पर रखता है, उसकी पत्नी को समझाता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं लेट हो गया। इसलिए पत्नी नॉर्मल हो जाती है और उसके साथ काम में लग जाती है। आराम से अनुभव घर को सजाता है, सेंट लगाता है पूरे घर में, दरवाजे को ठीक करता है और बेडरूम को स्वागत के स्टेज की तरफ फिर सजा देता है और अपनी पत्नी का इंतजार करने लगता है। उसकी पत्नी सज धज कर फिर आती है घर में। अनुभव उसके साथ पूरा समय व्यतीत करना चाहता है, परंतु रात में एकाएक कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। कहीं बर्तन गिरने की आवाज आने लगती है, घर में कुछ खुरबराहट होने लगती है, बदबू अजीब सी फैल जाती है। अनुभव को कुछ एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है घर में, क्योंकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का बहुत बड़ा जानकार था इसलिए उसे एहसास होता है। नई नई शादी हुई रहती है अनुभव की, इसलिए पत्नी को ज्यादा वो परेशान नहीं करना चाहता है, इसलिए वो बहुत सारे कैमरे अपने घर में लगा देता है ताकि पता चले कि घर में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या पैरानॉर्मल घटनाएं अगर मेरे घर में घटती है तो उसे पता चले। अनुभव सो जाता है रात में, सुबह उठकर वह पूरे कैमरे को चेक करता है, सारा कैमरा बंद रहता है, उसे पता ही नहीं चलता है कैमरा रात में कौन बंद कर देता है, इसीलिए वह बहुत परेशान रहता है। एक दिन वह देखता है कि उसकी पत्नी किचन में खाना बना रही है पर कुछ गा रही है, लेकिन भाषा उसकी अलग थी, उसकी भाषा वो नहीं थी जो सब दिन वह भाषा बोलती थी, उसकी भाषा में कुछ अजीबपन था, भारीपन था और डरावनी थी। उसे एहसास हो जाता है कि हो ना हो उसकी पत्नी में ही कुछ जरूर ऐसी संभावनाएं हैं जो उसके पत्नी में चुड़ैल घुस गई है। वह जाता है और एक तांत्रिक को ले आता है, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जानकार था तो उसको कोई ना कोई, मैं से कई सारे मित्र होते हैं जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र विद्या जानते हैं और वो पैरानॉर्मल के भी काफी जानकार है, डॉक्टरों के पास भी उसे काफी जानकारी थी। लेकिन वो जानता था कि उसके घर में जो घटनाएं घट रही है वह डॉक्टर से ठीक होने वाली नहीं है, कोई मनोचिकित्सक उसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्गंध काफी फैल रही थी घर में, अजीब सी सन्नाटा थी घर में, बर्तन कहीं फेंके हुए थे, कई समय ऐसी बदबू आती थी कि वहां रहना भी मुश्किल हो जाता था, परंतु उसकी पत्नी काफी खुशखुशाल वहां रह रही थी। तांत्रिक घर के बाहर ही जैसे आता है वह समझ जाता है कि घर में कोई बुरी आत्मा का वास हो चुका है। वह बताता है अनुभव को कि तुम्हारे घर में कोई बुरी आत्मा है, तुमसे कोई गलती हुई है। अनुभव उसे बताता है कि मैंने मेरे घर में कई ऐसी वस्तु लाकर रख दिया है जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी की घटनाएं घटी है, जिस वस्तु से पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जुड़ी हुई है कहानी, किसी भूत के होने की वास थी, इसलिए मैं उसे यहां मेरे घर में ले आया। वो तांत्रिक बताता है कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी को घर से बाहर लेकर आओ। घर से बाहर अनुभव उसने अपनी पत्नी को लेकर आता है, तांत्रिक घर में प्रवेश करता है और वह आंख बंद कर समझ जाता है कि यह वस्तु कहां रखी है। वह सीधा जाता है, मंत्र फूंकता है और उस वस्तु को अपने काबू में कर लेता है और उसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। अनुभव की पत्नी वापस नॉर्मल हो जाती है, ठीक हो जाती है। अनुभव उसे घर में लेकर जाता है और अपनी जीवन खुशी खुशी गुजारता है। ये एक ऐसी घटना है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जो जानकार है उसके साथ घटी है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी की घटनाएं घट रही है,
कहीं ऐसी कोई वस्तु है जो किसी डायन, भूत, प्रेत या जोगी ने कर रख दिया है कहीं पर, तो उसे ना छुएं, उससे दूर रहें। नहीं तो हो सकता है कि आपके जीवन को कोई मुश्किल आ जाए या आपके जीवन में कुछ समस्याएं हो, इसीलिए आप उनसे दूर रहें और किसी तांत्रिक को बुलाएं या अपने घर में होम हवन करवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम नई कहानी लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए।